जयो, क्या हाल है? आनंद, आज मुझे बुलाए उसने। तेरा कितना फ्लोर में रहती हो? 12 नंबर फ्लोर। हम आज मुंबई शूट करेंगे, ये मेरा पहला शूट है मुंबई, तो मुझे पता नहीं कि मतलब कैसे खाया जाए। अभी आ गए फ्लोर। अभी मैं कॉलिंग बेल बजाने वाला हूँ, घंटी का ही। ठीक है, देखते हैं कौन ओपन करता है। अरे ये इधर मतलब वो खेती करते हैं बालकनी में, अपने खेत से सब तोड़ के लाई है इसने। पता नहीं अब अभी क्या कोरिएंडर काट रही है। अभी क्या बनाने वाली है तू आज? जीरा राइस। जीरा राइस? तो जीरा राइस में जीरा काटना चाहिए, तो धनिया क्यों काट रही है तू? तुम खा के देखना ना कैसा बनता है, फिर बोलो। मतलब कुछ भी जीरा राइस में फिर हरी मिर्ची काट रही है, पता नहीं। तुम रेसिपी मत बताओ लोगों को, दिस इज माय सीक्रेट रेसिपी। देखा मैं कितना फास्ट काटती हूं। ये मां, तू तो हेट टेस्टर है भाई, उसको काटने दो। तब तक थोड़ा मैं आउटसाइड का थोड़ा व्यू ले लेता हूं। बाप रे बाप, कितना बढ़िया है। मन करता है मैं इधर से पैराशूट पहन के उड़ जाऊँ। ओहो, क्या बिल्डिंग है, इधर से तो हैदराबाद तक दिखाई दे रहा है मुझे। पहले कंटेनर वो ले ली है आग के ऊपर, फिर पता नहीं सफेद जैसे क्या उसके अंदर डाल रही है वो। दिस इज काऊ घी। काऊ घी, क्या नाम है अजीत सा सब, काऊ घी। वाह 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 वाह। इसको क्या करना पड़ेगा, फ्राई करना पड़ेगा घी को? नहीं, मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी, बाय। यहाँ पे ये चावल भी रख दिए। ओ माँ गो, मुझे लगता है ये गोविंद भोग है। हाँ, वाह वाह वाह, कतो कायदा में देखो। ओह वाह 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 वाह, की सब ढेले देते पाता पुतो। हाँ, अबर आमार बोले जे बोरिंग खाबार, निजी की सब पाता पुतो बनाच्छे के जाने। वाह 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 वाह। এবার চাল চলে যাচ্ছে ওর ভেতরে। বা 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 বা, মেয়ের কত গুণ। আবি গিন কে ডালতি হে উসমে, ইতনে বড়ি হো গই উসকে বাদ। ও মা, सारी चीज आ गए हैं अभी इधर, जैसे राइस आ गए, बहुत सारी चीज़ आ गए। उसको बोल रहा हूँ कि तू जल्दी आ जा यार, भूख लगी है मुझे। वो अभी भी पता नहीं क्या क्या रेडी कर रहा है। एक तो इतना भूख लगी है मेरी, मुझसे मेरे से बात नहीं किया जा रहा है, क्या टाइम पास कर रहा है आई डोंट नो। जमाई बाबू तुम ही बताओ, इतना टाइम पास करने का क्या है? इतना लजीज खाना मेरे सामने है और मैं अकेला इधर बैठा हूँ। आने दो उसे, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमस्कार जयो, नमस्कार। आज के হচ্ছে আমরা একটা নতুন টাইপের ভিডিও লেকার আয়া হু, আর ওস ভিডিও মে বহুত সারে খানা হ্যায়, আর মে বাতাউঙ্গা কিয়া কিয়া খানা হ্যায়। বহুত সারে খানা হ্যায়, কুছ খানা ইসনে খুদ হাতো সে বানাই হ্যায়, ক্যোকি মে ইনভাইটেড থা ইদার, আর কুছ চিজ এক দো চিজ মেনে ভি বানা কে লেকে আয়া হু ঘর সে। আর ইসে কহতা হ্যায় মতলব অ্যাকর্ডিং টু হার মুক ব্যাং। ইটস নট ব্যাং, ইটস মুক বাং। इट्स अ कोरियन कल्चर बेसिकली। कोरिया में पहली बार किसी ने बनाया था। इट्स कॉल्ड फूड डीजे काइंड ऑफ थिंग, जिसमें वीडियो में लोग डीजे होते हैं, जो लोग खाना खाते हैं। बेसिकली वी आर फूड डीजेज राइट नाउ, तो वी विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी फूड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मुकबा। सिर्फ खाना है और मुझे बहुत भूख लगी। शुरू से आता हूँ। ये है प्लेट, है ये प्लेट पंचो व्यंजन से सजा हुआ है। यहाँ पे सैलड है, ककड़ी, फिर गाजर, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, ऑनियन कहते हैं, कांदा, कांदा, हाँ कांदा कहते हैं इसको, कहते हैं हरा मिर्च, और इसको कहते हैं भजिया, हाँ इसको कहते हैं आलू भाजा। ओके, आलू भाजा दिख रहा है। और ये मिडिल में जो इस साइड में ये जो है, ये चिकन है, और ये मेरा एक सीक्रेट रेसिपी था, ये मैंने बना के लाया था खासकर उसके लिए, तो अभी मैं भी चख करके देखूँगा। और इस साइड में है टमाटो का चटनी, जो आपको दिल पूरा खुश कर देगा, आपके ज़िंदगी में कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। और मिडिल में विराजमान है राइस बाबा, ठीक है, ये मतलब चार चांद लगा दिया है राइस। और ये राइस मतलब बहुत लाजवाब राइस है, जीरा राइस, जीरा राइस,
शी मेड दिस। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे वैरायटीज है इधर है, इधर है रूम फिश करी, तो भी कुछ बता दे, इतना सारा आइटम है, मैं अकेला बता दूं। खाते खाते बताऊंगी। ये दिस इज दाल, हां दाल है, ये है सिद्ध रसगुल्ला, बेक्ड रसगुल्ला, बेक्ड बेक्ड रसगुल्ला, ओके सिद्ध रसगुल्ला, ओके ओके। और से ये है चटनी, सॉरी क्या है, हलवा, हलवा ड्राई फ्रूट हलवा जो जिनमें बना के लाया है। और ये सब खाने के बाद अगर डाइजेशन मतलब ठीक ठाक करना है तो मेरे पास कुछ मतलब ये आयुर्वेदिक, तेरा वाला भी देखा, ये आयुर्वेदिक कुछ दवा है, इट्स कोल्ड ड्रिंक्स, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। तो जो ऐसे सो चीयर्स गाइस, ऐसे कह के पिएंगे हाँ। तो चलो खाते हैं, शुरू करते हैं अभी, ओके। बम बम कम करना, इसमें चीयर्स करना पड़ता है ना, हाँ हैं, चलो खाओ। सो आई विल हैव, तो क्या खाना चाहिए मुझे पहले? मैं दाल और आलू भाजा। ठीक है, तुझे जब मर्जी खा ले, मैं उल्टा साइड से खाऊंगा, मैं पहले मीठा खाऊंगा, लास्ट में खाऊंगा ककड़ी। तो ये है दाल, ठीक है, ये देसी दाल, ये आप चम्मच से भी खा सकते हो, लेकिन मैं प्योर इंडियन हूँ, मेरा दाद भी इंडियन है, इसलिए मैंने ये हाथ से खाऊंगा। तो मैं दाल में राइस को मिक्स कर रही हूँ एंड उसके साथ ये जो पोटैटो फ्राई है वो खाऊंगी। इसमें बताने का क्या है, तुम कुछ मर्जी खा ले। हेलो, ओके, चीयर्स, चीयर्स, क्या वो इड़ा तुम्हार जोने तुम तामी खाओ, ओके। बोलो, आज मैं कुछ बोलूंगा ना, इसे खाऊंगा। दिस आलू भाजा इज फैंटास्टिक, इट्स फील्स लाइक एक्सोटिक, मतलब मुंह के अंदर जाने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि ये खाओ। एक अंदा जिसके पेट में वास्तु दोष है वो कंदा खाया करो डेली। अभी मैं इसके हाथ का बनाया हुआ चिकन टेस्ट करूंगी। आज एटा होच्छे गंधो राज, मतलब गंधे राजा। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, दिस इज द अल्ट्रा टेक्नोलॉजी कि जब मैं ऐसे नींबू निचोड़ू तो उसके आँखों में मुना जाए, इसके लिए मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। ऐसे हाथ रखो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका दिमाग खराब है। চিকেন বানিয়েছিলাম আমি সকালে, কিন্তু এখনো খাইনি, প্রথম বাইট নিচ্ছি। আজ যাবো ভালো লাগছে, আমি তোমাকে একদিন খাওয়াবো। এটা নতুন রেসিপি না? ভেবেছিলাম যে প্রথমে মাছ খাবো, ওর পাল্লায় পড়ে আমি প্রথমে মাংস খেয়ে নিলাম, ভুল ভাল সিদ্ধান্ত, ভুল ভাল সিদ্ধান্ত। তারপর দেখুন যে আমি পাগল, পাগল কে, পাগল ও, তার কারণ প্রথমে মাংস খাচ্ছে, প্রথমে মাছ খেতে হয় তারপরে মাংস। আমি ওদের তো আবার যাই, প্রথমে চিকেন খালে দে, मुझे आलू फ्राई बहुत अच्छा लगा, है ना, सॉलिड।
वाह, हर एक खाना इतना लजीज बन गया है ना वो, मतलब अभी तो मैं खा रहा हूँ तो मैं देख के तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा होगा, इतना टेस्टी है, क्या बात है वो। फिश करी? हाँ ले ले। वाह फिश करी में मैं मिक्स करूंगी ये नींबू, दिस इज कॉल्ड गोंधोराज नींबू, मेरी मम्मी लाई थी कोलकाता से, यहाँ पे मिलता नहीं है तो दिस इज कॉल माचे तरकड़ी, माचे झोल, माचे झोल, सी सो एवरीवन नोस हु लिव्स इन कोलकाता, और मैं अभी ये माचे झोल दिए भात दिए मैं के खाऊ, भूखकर आगे शुरू कर दिए थे, आई कांट वेट, एक्चुअली वो तो वेट करे ना खिदे लागले वो पागल हो जाए, तो हमें ये नहीं निलाम झोल ढेले निलाम आलू ढेले निलाम, এবার কি করব ভাতটা ভালো করে মেখে নেব, মেখে নিয়ে তারপরে আমি খাওয়া শুরু করব। লাও অনেকদিন পর মাছ খাচ্ছি, কি মজা। এটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা, আগার জিন্দেগি ভর সেম উমর কা রহনা চাহতে হো তো ডেলি এক এক কাঁচা লঙ্কা খায়া করো, আই মিন হরি মির্চ ডেলি। हाँ ओनली दिस कैन कीप यू यंग। ओके आई विल आल्सो हैव डेली। हाँ क्या मछली है, तुम्हारे तरफ देख भी नहीं रही हो, बताओ इतनी बड़ी भूखा रही, थोड़ा देखा जाए उनको, खाए रहिए चुपचाप, आप भी खाओ। वाह जितना आइटम है जाए वो सब फ्रेश है, जो आपका एंटीबॉडी तैयार करेगा और टेस्टी भी है, जो आपको मूड ठीक करेगा, और सब होममेड है, अब घर ही बनाना जाओ, हैप्पी मजा। सच में सब चीजें बहुत टेस्टी टेस्टी एंड फ्रेश, एंड दिस चटनी यू नो आई नो दैट यू डोंट लाइक टू मच बट दिस इज नो इट या आई नो बट दिस इज वेरी वेरी टेस्टी। ये जीरा राइस है, दो वाला नहीं बताऊंगा, तो मैंने मेरा खाने का लास्ट तक आ गया हूँ। डिड यू जस्ट बर्प? बुरा उसने तो मतलब खा ही रही है इसे, बोल नहीं रहा है तो क्या मुखबंग में बोलते नहीं खाते से। हम इनोवेटिव मुखबंग कर रहे हैं अभी खा लेता हूँ आयुर्वेदिक दवा। आई लव फिश करी। तुमने इंग्लिश मत बोला करो ठीक है, एवरीवन विल बी अंडरस्टैंडिंग।
कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इधर पागल खबर वैसे कौन बोलता जाए वो पागल लोग नहीं नहीं तू डाल खत्म कर तू डाल खत्म कर हरी मिर्ची नींबू सब खत्म कर खासकर चटनी ना लेकिन हर चीज अच्छा था और ये जो राइस भी अच्छा था मालूम है क्यों अच्छा था ये भूख करवाना है भूख कर ये काम कर ना मुझे वो सिद्ध रसगुल्ला देना है इट्स नॉट सिद्ध रसगुल्ला नाम बता सही से फिर देते हो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर तू मैं हटा दूंगी मैं दोनों खा जाऊंगी खा ले दोनों तू खा ले बेक्ड रसगुल्ला ओके बेक्ड रसगुल्ला तो मुझे एक पीस बेक्ड रसगुल्ला दे एक पीस चाहिए हां एक ही पीस दकार का राजा मुझे एक पीस देना वो जो रसगुल्ला क्या नाम है वो वाला इधर देना सी दिस इज हाउ दे बेक इट इट्स अ रसगुल्ला इधर देना बट इट्स बेक्ड दही के साथ बेक किया गया दही नहीं पता नहीं कुछ तो होता होगा मेरे को उतना आइडिया नहीं है टेस्ट करके देखो हाँ जाओ आई थिंक वो क्या रसमलाई होता है ना डोंट आइडिया रसगुल्ला खाऊंगा अभी डोंट आइडिया दिस कटोरी इज सो क्यूट मतलब कितना खाना खाया हम लोगों ने आज तब से खाया जा रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये तो तुम्हारा हलवा हाउ इज इट जामाई बाबू ओ ये है हलवा मेड बाय चिन्मय बस सुपर भैया सुपर निकाल दो ना है ना अच्छा इट्स माय फेवरेट एक्चुअली जब मैं कोलकाता जाती हूँ तो ये जरूर खाती हूँ यहाँ तो हमने स्वीट बंगाल से ऑर्डर किया अच्छा यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम स्वीट बंगाल बेक्ड रसगुल्ला आई यू लाइक दिस अ लॉट सो जाना वो इन एवरी डिपार्टमेंट शी हैज अ लाइक That's why I called her booker. तो खेची जी अभी फ्रेम देंगे भाई जब नहीं जाते। वो भालो कलम और it's called mukbang. हमें आज के बुझते बल्ला mukbang की mukbang माने शुद्ध खावा। वो ना कोता वाला चल बैठा। हमें तो शेते के कोता ही बोले जाते। तो mukbang माने only खावा। Still I am talking with you Janabu and she is licking eating. And she is eating the rasgulla packet. बोलो शेद्दो रसगुल्ला। हाँ शेद्दो रसगुल्ला packet. तो ठीक है ये हमारा था आज का mukbang. और खाना खत्म। हाँ खाना मेरा भी खत्म और आगे आगे क्या करना है थोड़ा बता दे। मतलब वही ये हमारे का ढकार आप करना avoid इसको वो लास्ट में बोल देना जाओ वो फिर से कि बस सब्सक्राइब कर देना नहीं बोलूंगी मत करो सब्सक्राइब बाय अगले वीडियो में मिलते हैं